अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अलमास नूर फ्रॉम स्टार रियल्टर्स। और जैसा कि आप जानते हैं, स्टार रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म की जानिब से आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स दी जाती हैं प्रॉपर्टी और रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से कि इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं और इस वक्त आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में कैसे प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने जा रही हूँ जिसने मार्केट में आते ही जो है वो धूम मचा दी है। बहुत ही कम वक्त में ये प्रोजेक्ट हमें हाइप की तरफ जाता हुआ नज़र आया है। दिसंबर 2022 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और अब आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इस वक्त करंट डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और इसके साथ साथ थोड़ा सा मज़ीद इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती चलूं। तो ओजी डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है, नाम है इसका बहरिया स्काई। इस प्रोजेक्ट में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि इसने इतने कम वक्त में इतना अच्छा जो है अपना नाम बना लिया है मार्केट में। वो लोग जो हाई राइज में इंटरेस्ट रखते हैं, अपार्टमेंट्स में कमर्शियल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है और इसके मैं मज़ीद भी एलेबोरेट करूँगी। तो मेरी बैक साइड पर आप देख भी सकते हैं कि बहरिया स्काई की जो है वो डिज़ाइनिंग कैसी है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि कमर्शियल शॉप्स के साथ साथ यहाँ पर 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। थोड़ा सा मज़ीद मैं इसके बारे में बताते चलूँ तो 15 कनाल का ये टोटल एरिया है जहाँ पर ये मॉल तामीर किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो 7.5 कनाल है वो कवर्ड एरिया है जहाँ पर आपको कमर्शियल शॉप्स, अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेज और कम्युनिटी एरिया देखने को मिलेगा। काफ़ी लग्जरियस अम्यूनिटीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इंतहाई मुनासिब रेट्स के अंदर। तो मौजूद हुए बहरिया स्काई की साइट पर, आपको इसका साइट विजिट भी करवाते हैं और मैं बताती चलती हूँ कि इस वक्त इसका क्या करंट डेवलपमेंट स्टेटस है। आइए आपको साइट विजिट करवाते हैं। तो मौजूद हूँ मैं बहरिया स्काई की साइट पर, आप मेरी बैक साइड पर देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि इंक्लूडिंग बेसमेंट 16 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है जिसमें से बेसमेंट जो है पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है। ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर जो है कमर्शियल एरिया है जहाँ पर डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी और 4 to upward जो है 4 से लेकर 14 फ्लोर तक जो है अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड 3 बेड सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट और इसके साथ साथ पेंट हाउसेज और कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो प्लस पॉइंट है इनके डिवेलपर्स का वो ये है कि 3 माह के अंदर ही इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट अपनी कंप्लीट की है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बेसमेंट का काम बहुत ही तेज़ी के साथ कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब मूवमेंट की जा रही है ग्राउंड फ्लोर की जानिब की, जल्द से जल्द जो है ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन भी कर ली जाए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों और अगर हम 15 दिन पहले की बात करें कि 15 दिन पहले यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, तो तब जो है यहाँ पर बेसमेंट की कंप्लीशन का काम जारी था। लेकिन जैसा कि आप मेरी बैक साइड पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा भी सकता हो तो जो है वो 4-sided जो बेसमेंट की बाउंड्री वाल तामीर कर दी गई है जिसको सिर्फ तकरीबन कोई 15 दिन का वक्त लगा है। तो इतने कम टाइम पीरियड में ये बहुत ही एक दिलचस्प और बहुत ही एक अमेजिंग बात है कि कोई डेवलपर इतनी तेज़ी से अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। तो मेरी बैक साइड पर ये फ्रंट एलिवेशन है बहरिया स्काई का जो इंतहाई खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। अगर यहाँ पर जो फ्रंट एलिवेशन पे जो शॉप्स आ रही हैं कमर्शियल शॉप्स उनकी बात की जाए और स्टैंडर्ड के बाद अगर बात की जाए बैक साइड शॉप्स की, जहाँ पर 150 फीट वाइड रोड लग रहा है तो वहाँ पे आपको 45,000 पर स्क्वायर फीट रेट देखने को मिलेगा। जो शॉप्स यहाँ पर दिख जा रही हैं वो डिफरेंट स्क्वायर फीट साइज में दी जा रही हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कमर्शियल शॉप्स जो होती हैं ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप कम वक्त में पैसा लगा के ही अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं और अगर कल को आप इसको रेंट आउट भी करते हैं तो आप एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर कमर्शियल के बाद अगर बात की जाए अपार्टमेंट्स की, तो अपार्टमेंट्स में भी डिफरेंट साइजेस स्क्वायर फीट साइजेस दिए जा रहे हैं पर स्क्वायर फीट साइज। दूसरी अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें, दूसरे मॉल्स जो इस वक्त बन रहे हैं लाहौर के अंदर उनकी निस्बत इंतहाई मुनासिब दिया गया है, सिर्फ 12,500 पर स्क्वायर फीट रेट रखा गया है ताकि जो है वो कोई भी इन्वेस्टर जो है इसे इजीली अफोर्ड कर सके। एक और प्लस पॉइंट मैं आपको अपार्टमेंट्स का बताते चलूँ कि अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को उसको रेंट पे देने के लिए भी आपको कोई मसला, कोई जो है मुश्किल दरपेश नहीं होगी क्योंकि ये डेवलपर्स की जानिब से अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर किए जा रही है कि अगर वो आज यहाँ पर अपनी शॉप बाय करते हैं 4 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी मैच्योर भी होती है तो उसको रेंट आउट करने की जो जिम्मेदारी है वो डेवलपर की है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी एक प्लस पॉइंट है बहरिया स्काई के डेवलपर्स की जानिब से जो कि अब तक किसी भी डेवलपर ने अपने कस्टमर को ऑफर नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अब तक की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बहरिया स्काई की दी है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो आप लोगों के लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या अगर आप
लाहौर से बाहर हैं और यहाँ पर अगर आप मूव करने के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दफ़ा बहरिया स्काई को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और सबसे आखिर में एक और ज़बरदस्त बात आपसे शेयर करती चलूँ कि बहरिया स्काई के डिवेलपर्स की जानिब से जो एक अच्छी चीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर मॉल्स इन लाहौर यहाँ पर रखी गई है कि यहाँ पर आप घर बैठे भी अगर आप ओवरसीज़ भी हैं आप लाइव साइट विज़िट नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो यहाँ पर कैमराज इंस्टॉल किए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे भी लाइव साइट कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन का क्या सीन है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं या फिर अपार्टमेंट्स में, बहरिया स्काई को एक दफ़ा लाजमी कंसिडर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।